तो आपका स्वागत है। तो अपन यहाँ पे नेक्स्ट मेथड की बात करने वाले। जैसे कि इसके पहले देखा हमने कैसे हम नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके हम अमाइन बनाते हैं। तो बेसिकली वो तो मेथड था, एक मेथड आपका ये होता है जो कि होता है क्या, एमोलिसिस ऑफ अल्कालाइट। मतलब के मैं एमोलिसिस मतलब के अमोनिया का एडिशन किसके अंदर, अल्काइल लाइट के अंदर, जो कि आपका ये होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे अमोनिया को और अल्कालाइट को क्या करेंगे, एक टाइट कंटेनर में 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे। मतलब कि देखो लिखा है यहाँ पे, एमोलिसिस ऑफ हैलाइड इज स्क्रेड आउट इन द प्रेजेंस इन एयर टाइट चैम्बर एट 100 डिग्री सेल्सियस। करना है कि आपको चैम्बर लेना है, उसमें डाल के दोनों को हीट कर देना है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो होता क्या है बेसिकली ड्यूरिंग एमोलिसिस, हाँ, फर्स्ट योर प्राइमरी एमीन इज ऑप्टेन, देन उसके बाद सेकेंडरी एमीन इज ऑप्टेन, एंड देन आफ्टर टर्सरी एमीन ऑप्टेन, और वापस क्या होता है, इसे फाइनली लास्ट में आपको जाके यहाँ पे फाइनली क्वेटनरी एमोनियम सॉल्ट मिलता है। तो इस रिएक्शन की एक गंदी बात क्या है कि हमें यहाँ पे मिक्सर ऑफ अमाइंस मिलते हैं। यार एक नहीं मिलता, यहाँ पे आपको प्राइमरी मिल जाएगा, सेकेंडरी मिल जाएगा, टर्शरी मिल जाएगा और क्वेटनरी एमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। तो बेसिकली आपके दिमाग में क्वेश्चन जा रहा होगा कि सर ये क्वेटनरी एमोनियम सॉल्ट होता है क्या है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ रिएक्शन कैसे क्या हो रहा है। देखो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे हमारे पास अमोनिया था, तो मैं अमोनिया को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ NH2H करके। अब क्या होता है, देखो आपके पास RX है ना, RX आपके पास, तो क्या होता है ये इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, हाँ, और इस पे होता है नेगेटिव, इस पे होता है पॉजिटिव। तो बेसिकली पूरी कहानी यहाँ पे किसकी है, प्लस माइनस की है। तो क्या होता है ये जो X है ये H को ले लेता है और ये R जाके यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली NH2R मिल जाता है। देखना है, ध्यान देना अच्छे से क्या हो रहा है। बेसिकली ये X H से जाके मिल गया और बना दिया HX और बाहर निकल गया, बन गया यहाँ पे NH2R, और इसी को बोलते हैं क्या हम प्राइमरी मेन। चेक कर लो यार, नाइट्रोजन से एक ही R अटैच है। अगेन क्या होता है, देखो अगेन अगेन इसके पास अभी एक और H है, दो H और पड़े इसके पास। तो अगर मैं इन दो H को ऐसे ड्रॉ करूं तो कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए वैसे तो। RX वही सेम कहानी, डेल्टा पॉजिटिव इस पे, और वेट मिनट मैं थोड़ा इसको यूज करता हूँ डिफरेंट कलर से ताकि आपको थोड़ा और बेटर क्लियरिटी बैठे। वेट अ मिनट, यस देखो इसे पॉजिटिव चार्ज है, इसे पॉजिटिव है, इस पे हाइड्रोजन पे, इसे नेगेटिव चार्ज है। अगेन वही, ये प्लस ये माइनस, वही सेम सारा काम यहाँ पे किसका हो रहा है, प्लस माइनस का हो रहा है। और आपको यहाँ पे मिल जाता है अपना NHR और एक R वापस आके अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे आपको वापस एक HX बाहर निकल जाता है। कैसे, ये X है, ये वाला X और ये वाला H बाहर निकल गया, तो ये आपका बन गया सेकेंडरी अमीन करके। वापस देखना आप यहाँ पे, यहाँ हमारे पास एक और H है अभी, तो वापस रिएक्शन होगी, वापस RX आएगा और ये X जो है इस H को उड़ा ले जाएगा, क्योंकि ये हैलोजन बहुत ही अच्छे हाइड्रोजन कैरियर होते हैं। मतलब के हाइड्रोजन को लेके निकल लेना, ये H गायब हो जाएगा यहाँ से। तो आपको अगेन यहाँ पे R, ये R और यहाँ पे R मिल जाएगा, और यहाँ पे अभी भी लोन पेयर बचा है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, ये बात आप ध्यान देना अच्छे से यहाँ पे, क्लियर। सिंपल, यहाँ हमारा एच एक्स बाहर निकल गया। अब देखो क्या होता है, अब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक्चुअली ये लोन पेयर भी थोड़े बहुत रिएक्टिव होते हैं, जैसे हाइड्रोजन रिएक्टिव थे हमारे वो निकल जा रहे थे। हाँ एक्चुअली हाइड्रोजन यहाँ पे वही ताक में था, कैसे हैलोजन आए वो निकल ले उसके साथ, क्योंकि HCl इज वेरी वेरी स्टेबल, एच एक्स सारे जो मॉलिक्यूल होते हैं थोड़े थोड़े स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगेन उसी सेम टू सेम उसी तरह हमारे पास लोन पेयर है यहाँ पे, और इस लोन पेयर को यहाँ पे RX जो हमारा होगा वो देख रहा होगा कहीं यहाँ से चुपके। और क्या होता है, देखो इस पर माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, लोन पेयर का नेचर नेगेटिव होता है। तो ये जो R है ना, R ये जो आपका R है, ये जो लोन पेयर नाइट्रोजन, ये लोन पेयर इसको दे देगा, मतलब कि लोन पेयर और R में बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन ने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया है, क्योंकि इसने लोन पेयर दिए हैं, और लोन पेयर देने पे याद रखना कोई भी कंपाउंड पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इसी पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे माइनस बार खड़े रहता है, X माइनस यहाँ पे बाहर खड़ा है, क्योंकि ये इसका काउंटर आयन है इस पूरे कंपाउंड पे, इस पूरे क्वार्टरली आपको दिख रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन ने चार बॉन्ड बना रखे हैं R, इसलिए से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और इसी चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे X माइनस है काउंटर आयन की तरह बिहेव कर रहा है, और इसी का नाम होता है अपना क्वार्टरनरी एमोनियम सॉल्ट। तो ये आपको एग्जाम में आता है, 2-3 मार्क्स में पूछ सकता है आपसे कि बताओ क्वार्टरनरी एमोनियम सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, कैसे अमोनिया और अल्कोहल रिएक्ट करके बनाते हैं, क्या रिएक्शन होता है, आपको सिंपल इस तरह बताना रहेगा।
ये आपका सॉल्ट हो गया। देखो ये जो रिएक्शन है इसका डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ पे ना अपने को यार मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन मिलते हैं, लेकिन हाँ ये चीज यहाँ पे इसको हम पार कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने क्या कह लिया, मैंने यहाँ पे मान लो अमोनिया का ले लिया एक्सेस में, मतलब कि हमने बहुत सारा अमोनिया ले लिया, तो उस केस में प्राइमरी अमीन जो होता है वो ज्यादा मिलता है। अगर आपको मैं यहाँ पे लिखूँ रिएक्शन में एग्जाम में, आपको ऐसे रिएक्शन आते हैं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो लेट से आपके पास मान लो यहाँ पे हमारे पास मालूम ने ले लिया अमोनिया आर एक्स, ले लिया मालूम यहाँ पे आर एक्स, आर एक्स मतलब सिंपल मैं ले रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे ले रहा हूँ, सिंपल एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, जैसे कि लेट से आपके पास सी एस थ्री सी एस टू सी एल है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा था हम कुछ। अब देखो अब मान लो ले लिया मैंने यहाँ पे ले लिया एन एस थ्री, ले लिया एक्सेस में, क्या कर लिया ले लिया एक्सेस में। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा लिखा है अमोनिया इन एक्सेस, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको सी एस थ्री सी एस टू लगा के यहाँ पे, हाँ हमारे पास मैं पता है यहाँ पे कि ये जो सी एल है वो बाहर निकलेगा और यहाँ पे एन एस टू आके जुड़ जाएगा, ये बन गया अपना प्राइमरी मीन और आपको यहाँ पे एस सी एल बाहर निकलेगा। इस तरह से करना है आपको। अगर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ गिवन हो, लेट से सी एस थ्री सी एस टू सी एल लिखा हो और यहाँ पे लिखा हो मान लो 2 मोल ऑफ एमोनिया, सॉरी 2 मोल ऑफ ये, ऐसा लिखा हो मान लो आपको यहाँ पे 2 मोल ऑफ सी एस थ्री सी एस टू सी एल और यहाँ आपको सिंपल आपको लिखा हो अमोनिया करके, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन बना के छोड़ देना है, जैसे ऐसा कुछ एन एस थ्री एक दो ये एक एन एस थ्री ऐसा लिखा हो अगर आपको, तो आपको सिंपल क्या करना है, देखो यहाँ पे ये अपना नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 R ग्रुप है, मतलब कि इस एन एस थ्री से देखो हमने यहाँ पे रिएक्शन कर कर रखी थी, तो क्या हो रहा था, अमोनिया से एक बार आर एक्स रिएक्शन कर रहा था, एक बार एक ये रिएक्शन हो रहा था अमोनिया आर एक्स के साथ साथ और एक रिएक्शन ये हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस एन एस थ्री से क्या होगा, देखो हमारे पास यहाँ पे 2 CH2 CH3 और यहाँ पे सी एच टू सी एच थ्री आके बॉन्ड बना लेंगे और एक एच यहाँ बच जाएगा ऐसे, तो यह आपका बन गया सेकेंडरी मीन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 R मॉलिक्यूल है 2 RX, तो 2 के 2 RX मॉलिक्यूल यहाँ पे अपना 2 R दे देंगे इस नाइट्रोजन को और आपको यहाँ पे 2 मोल ऑफ ऐसे मिल जाएगा बाजू में। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको ये बात ध्यान देनी है यहाँ पे कि आपके पास कितने मोल है, अगर एक्स में लिखा है तो इनकेस आपको बनाना है प्राइमरी मतलब बनाने के लिए वो एक्सेस में होता है और ये बनेंगे नो डाउट, बट इट इज इन एक्सेस, तो आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। हाँ आप चाहो तो ऐसे और एग्जाम्पल लिस्ट हो, और यहाँ पे याद रखना यहाँ पे नोट करके कि हम यहाँ पे इस मेथड से ना इस मेथड से कभी भी हम हाँ हम ये वाला कंपाउंड नहीं बना पाएंगे कभी भी। जैसे कि अगर मान लो आपको मैं बोलूँ ये वाला बनाना कंपाउंड, तो ये कंपाउंड हाँ कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे अच्छे से। वैसे ये जो चीज़ है ये एक्सेप्शन तरह का है जो कि आई थिंक सो आपके बुक में गिवन है शायद लास्ट पेज में, आप अगर अपना एनसीईआरटी खोलो तो गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है एक्चुअली ये चीज़ हटा दी गई है शायद, अगर आपको मतलब याद नहीं कर पाओ कोई दिक्कत नहीं, ये एनसीईआरटी में से हटा दिया गया इस बार, मुझे भी याद आ रहा है। क्लियर, तो यहाँ तक रखते हैं इसको हम, अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे अपना अपना नया मेथड प्रिपरेशन। ओके तब तक के लिए।